नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डबल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना के बायोडाइवर्सिटी पार्क में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर साइबेरिया और दूसरे देशों से भी पक्षी अब आने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब तापमान ज़्यादा गिर जाता है तो इनको दूसरी जगहों की ज़रूरत होती है पनाह लेने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए। और इस चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैयाज अहमद खुसर, उनसे बात करेंगे। सर, किन किन देशों से यह पक्षी आते हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है अपना जीवन का कुछ समय जो है यहाँ पर बिताते हैं? अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, डीडीए की ज़मीन पे बना है ये पार्क। इसलिए ख़ास है कि यहाँ पर जो आप ये वेटलैंड देख रहे हैं, इसको हमने रिस्टोर किया है। ये पहले यहाँ पर था नहीं, छोटा सा एरिया था और इसको हमने रिस्टोर किया है। यहाँ पर घास थी, ये टाइफा और फ्रेगमाइटिस जिसके हिसाब से हम समझ पाए थे कि यहाँ पे सब सॉइल इक्विफर ज़्यादा है ऊंचा, तो इसको हमने डिसिल्ट करके ये वेटलैंड बनाया। और यहाँ पे आप देख लें अभी बहुत सारे ये काले पक्षी जो दिख रहे हैं, ये ग्रेट कॉर्मोरेंट हैं जो चीन से आते हैं। और फार एंड पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे यूरोप के पक्षी जैसे नॉर्दर्न शॉबलर, पिनटेल्स, कॉमन पोचार्ड इत्यादि बैठे हैं। ये तो ये पक्षी अक्टूबर के अंतिम महीने से यहाँ पर रेकी शुरू कर देते हैं देखने का, फिर यहाँ इसको अपना घर बना लेते हैं। इस बार बारिश बहुत हुई है तो राजस्थान के एरिया में जो इनके माइग्रेटरी रूट का पार्ट है उसमें बहुत पानी है, तो जगह जगह वो भरे हुए हैं। तो मुझे लगता है 15 दिसंबर के बाद यहाँ और भी पक्षी आने की संभावना है। और ये वेटलैंड बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है वैज्ञानिक तरीके से कि ये सेल्फ सस्टेनेबल है, तो इसलिए पक्षी यहाँ आते हैं, रहते हैं, इनको लाइफ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों मिल जाती है। कितनी प्रजातियाँ यहाँ पर आती हैं और किस तरीके से ये लोग जो है अपने खाने का, अपने पीने का किस तरीके से यहाँ पर बिताते हैं? पूरे विंटर सीजन में लगभग 30-32 प्रजाति के माइग्रेटरी पक्षी आते हैं। ऐसे यमुना यूनिवर्सिटी पार्क में टोटल 200 से लगभग 200 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो लगभग 30-32 प्रजाति के हैं। इसमें कुछ पक्षी जो आप पानी में अभी देख रहे हैं काले वाले, ये मछलियों को खाते हैं। और तो मछली इसका अर्थ है, यहाँ पर इतने सारे हैं, इसका अर्थ है इस वेटलैंड में मछलियाँ काफ़ी हैं। एक समान स्तर, मतलब एक छोटे साइज़ की मछली चान्ना स्पीसीज़ है और भी कैटफिशेस हैं जिसको ये खाते हैं। दूसरी है पक्षी, वो प्लांटीवोर्स हैं, वो प्लांट खाती हैं। जो यूरोप से आई हुई हैं पक्षियाँ, जो नॉर्दर्न शॉबलर बोला, वो लार्जली प्लांट पे डिपेंड करती हैं। ये पार्क एक ख़ास पक्षी के लिए जाना जाता है, उसको कहते हैं रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, जो सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आती है। वो किसी भी समय अभी आ सकती है और हमें उम्मीद है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी पक्षियों को यहाँ पे आ जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया ये कुछ जो बर्ड्स यहाँ पर आते हैं मछलियाँ खाते हैं, तो ये जो वेटलैंड जो बना हुआ है यहाँ पर मछलियाँ का इंतजाम कैसे किया जाता है? पार्क की तरफ से किया जाता है या फिर नेचुरली जो है उनकी पैदावार होती है? जब शुरू में पार्क बनाया हमने तो इसको इनोकुलेट किया था बहुत शुरू में, उसके बाद तो ये सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, अपने आप मछलियाँ अंडे देती हैं, बढ़ जाती हैं, पक्षी आते हैं, खा लेते हैं, फिर अगली बार जब आएंगे तब तक मछलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी, तो हमें कुछ भी देना नहीं होता। ये वेटलैंड हमने सेल्फ सस्टेनेबल वेटलैंड बनाया, शुरू के बनाने में मेहनत लगी, वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया वेटलैंड इन सारे पक्षियों को भोजन देने में सफिशियंट है वो भोजन। सैलानी भी यहाँ पर आ सकते हैं? यहाँ पर देखिए अभी कोविड की वजह से मुश्किल नहीं, तो यहाँ पे भीड़ इतनी होती थी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों की, जो हम वर्चुअल टूर कर रहे हैं, छोटे ग्रुप को हम बुलाते हैं, अभी छोटे ग्रुप को ही आने देते हैं क्योंकि अभी भी ये बीमारी गई नहीं है और लोगों का ज़्यादा करीब होना और नंबर बढ़ाना थोड़ा कठिन होता है, तो सैलानी तो आते ही रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी आते हैं। सैलानी आने से ये जो बर्ड्स यहाँ पर रहते हैं इन्हें भी कुछ दिक्कत आती है या फिर ये नॉर्मली जो है रहते हैं? वो तो लिमिटेड, जैसे हम खड़े हैं जितने डिस्टेंस पर, तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस हमने दूरी दे रखी है, सुरक्षित दूरी दे रखी है, तो आप देख रहे हैं पक्षियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा इस दूरी से। अगर उनके बहुत नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तब मुश्किलें होंगी। तो यहाँ पे गाइडेड टूर होता है, एक कोई बंदा होगा जो आपको लेकर के आएगा, आपको बताएगा, समझाएगा बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में, तो ऐसी मुश्किलें नहीं आती है। कितने किलोमीटर का ये सफ़र जो है तय करके आते होंगे? कितने यूरोप और साइबेरिया से कितनी दूरी, हज़ारों किलोमीटर की दूरियाँ तय कर, इसलिए कहा जाता है सात समंदर पार, तो कितनी दूरियाँ तय करके आती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो यंग होते हैं वो अपना रात खोजते हैं और उनको कोई बताने वाला होता नहीं है, वो तारों से और दूसरी चीज़ों को गौर से ध्यान दे करके और यहाँ पे पहुँचते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पक्षी पहुँचते हैं, अगर
कोविड नहीं होता तब कितने लोग जो है एक बार में आ सकते थे? मैं बताऊं कि 2019 में जब सरकारी स्कूल के ही बच्चे को देखें तो लगभग 0.25 मिलियन बच्चे आए थे यमुना एंड अरावली वर्सिटी पार्क में के लिए। तो यहाँ पर तो अभी कॉलेज स्कूल की भीड़ होती काफ़ी, मतलब हमारी बुकिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट है और गाइडेड टूर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन एडवांस में लोग टाइम लेते हैं, हमने रजिस्टर बना रखा है और उसमें एंट्री होती है। तो यहाँ पर लाइन लग जाती थी कि एक दिन में अगर दो दो तीन तीन बड़े ग्रुप को भी हम देखते थे तभी लाइन लगी होती, तो काफ़ी लोग आते थे। जैसे मैंने बताया कि तो 2019 में 0.25 में खाना दिया जाता है यहाँ, बिल्कुल खाना नहीं दिया जाता, मैंने पहले ही बताया ये हमारा इको सिस्टम अप्रोच है। सैलानी अगर कोई आए क्या वो दे सकता है? नहीं दे, कोई नहीं दे सकता, यहाँ पर इको सिस्टम है, बिल्कुल मनाही है यहाँ पर। प्रकृति ने अपना, हम लोगों ने, हमारा क्या काम है एज ए वैज्ञानिक, हमने यहाँ पर प्रकृति के संसाधन इस तरह से जुटाए हैं जो भोजन, रहना, रूस्टिंग, नेस्टिंग, रेस्टिंग साइट सब प्रकृति इसको देती है। नवंबर में आप बता रहे हैं ये आते हैं और वापसी मार्च ये जो है मार्च के करीब तक, मार्च के अंतिम सप्ताह से ये जाने लगते हैं, इनका रंग बदलने लगता है, पंख नए हो जाते हैं, ये चमकने लगते हैं और इशारा करते हैं कि अब मैं जाऊंगा, क्योंकि ये फिर उड़ के जाएंगे अपने जगह पे और वहीं ब्रीड करेंगे, वहीं एग लेइंग करेंगे। काफ़ी सालों से आप इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा देखने को मिला कि कोई पक्षी हमेशा के लिए यहाँ पर रह गया हो? देखिए, जो पक्षी आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, अगर वो इंजोर्ड है, बीमार है, तो कुछ रह जाता है लेकिन वो पेरिश हो जाता है, बचता नहीं है, उसको बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जीवन काल का अधिकांश समय उसको घर में बिताना पड़ेगा और उनका घर यूरोप है, चाइना है, साइबेरिया है, तो यहाँ कैसे बचेगा? देखिए, इस सब चीज़ पर हमारे साथ मौजूद थे बात करने के डॉक्टर फैयाज खुसर, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं जो है वो नेचुरल तरीके से आते हैं और हम भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से ही वो अपना भोजन और जीवन यहाँ पर बिताते हैं। जब उनका समय मार्च के आसपास जब पूरा हो जाएगा तो वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कोविड का समय है तो यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। डॉक्टर फैयाद खुसर का कहना है कि जैसे ही परमिशन खुलेगी, अनुमति सरकार की तरफ से दी जाएगी, तो दूसरे भी सैलानियों को यहाँ पर ज़रूर विजिट किया जाएगा और विजिट भी यहाँ पर निःशुल्क है। मैं कुलदीप कुमार, AA News, दिल्ली।